नया दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात स्वतंत्र वीर सावरकर की, जिनको लेकर आज एक बार फिर एक राजनीति गरमाती नजर आ रही है। एक दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत ने सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस दौरान मोहन भागवत ने आजादी के बाद सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाए जाने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने भी सावरकर पर झूठ फैलाए जाने का आरोप लगाया और कहा कि जेल में बंद सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे, हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। क्या जानबूझकर सावरकर को बदनाम किया गया है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदय माहुरकर जी, केंद्रीय सूचना आयुक्त भी हैं और इन्होंने ही सावरकर पर जो किताब लिखी है उसका विमोचन हुआ था। इन्होंने वो किताब लिखी है जहां पर सावरकर जी की फोरसाइट, दूरदर्शिता और उनकी सामरिक नीति पर उन्होंने फोकस करते हुए कहा कि अगर वीर सावरकर की सुनी होती तो शायद देश का विभाजन ना होता। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी बात कही है जो फरवरी 1947 में उन्होंने कही थी कि अगर देश के हिंदुओं ने आपकी बात मानी होती तो अपने ही देश में गुलाम नहीं होते। जिस तरह से पार्टीशन पर, जिस तरह से मैसेकर और जेनोसाइड हुआ था, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये बात कही थी। पर उदय माहुरकर जी, आज लोग ये कह रहे हैं कि सावरकर वो व्यक्ति है जो महात्मा गांधी का हत्यारा है, आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इसके लिए तो आपको मेरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। मेरी पुस्तक में देखिए, हमने ये पुस्तक एक नेशन फर्स्ट की भावना से लिखी है, वो भी सावरकर की नेशन फर्स्ट भावना। आपको याद रहे कि सावरकर वो व्यक्ति हैं कि नेहरू ने उनको इम्प्लीकेट किया है गांधी मर्डर के अंदर। उसके बाद में छूटने के बाद भी अगर नेहरू जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई अच्छे स्टेप लिए तो उसकी उन्होंने सराहना की। तो उस भावना से हमने किताब लिखी हुई है और उन पर जितने भी आक्षेप हुए, वो मर्सी पिटीशन के हों या देश विभाजनकारी उनकी सोच है उसको लेके हो, ये सभी चीज़ें हमारे जो रिसर्च के बाद में ये मालूम होता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था वीर सावरकर को बदनाम करने का और ऐसे व्यक्ति का कि जिसका योगदान का हम अगर सही मूल्यांकन करें तो सावरकर टुडे इज़ ए प्रॉफिट, इज अ सावंत, इज़ ए यूनिफायर। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी पूरी दुनिया में नहीं होगी एक पेट्रियट को बदनाम करने की। गांधी मर्डर के अंदर खूब तथ्य हमने प्रोड्यूस किए हैं इसके अंदर, किस तरीके से उनको गलत तरीके से इम्प्लीकेट किया गया, किस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर उनसे सहानुभूति रखते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस दौर के दौरान सावरकर की मदद करने का प्रयत्न किया। तो ये सब भी आक्षेप जो थे वो टोटली बेबुनियाद हैं। उनका जो हेतु वो एक ही है। देखिए, जो ग्रुप्स, जो पोलिटिकल पार्टीज भारत को फ्रेगमेंटेड देखना चाहती हैं,
टुकड़ों में बटा हुआ देखना चाहती है, अपनी वोट की रणनीति और अपने आइडियोलॉजी के कारण उनके लिए आवश्यकता है सावरकर को बदनाम करने की, क्योंकि सावरकर जो है वो देश की एकता और अखंडता के सब में बड़े प्रतीक है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त रंजीत सावरकर जी भी जुड़े हैं, वो वीर सावरकर जी के पोते हैं। रंजीत जी नमस्ते। वीर सावरकर जी ने कहा था जी, आ सिंधु से सिंधु, यानी कि सिंधु नदी से सिंधु तक, यानी कि सागर तक जो भूमि है, जिसको जो इसको मानता है कि उनके पूर्वज यहाँ के हैं, वो सब इस देश के हैं, इस एक भारत के हैं, और ये भारत उनका है और वो सभी हिंदू हैं। ये उनके ऐसे में हिंदू की परिभाषा थी। लेकिन आज वीर सावरकर को एक देशद्रोही कहा जाता है, महात्मा गांधी जी के हत्या का षड्यंत्रकारी कहा जाता है, अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं को अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, ये कहा जाता है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बातें बगैर कोई अध्ययन किए आधे आर्गुमेंट से की जाते हैं। महोदगर जी ने किताब में ये जो हिंदुओं का सैनिक सिंह में जो भर्ती किया उन्होंने, उसके बारे में तो उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया है। और मैं तो आगे जाके कहता हूँ कि अगर सावरकर ये सैनिकों की मुहिम ना लेते तो 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा आपको दिखता होगा, क्योंकि वो जमाने में तो अराउंड 75% आर्मी मतलब मुस्लिम आर्मी, और जबकि विभाजन के समय अराउंड 70% आर्मी वॉज अ नॉन मुस्लिम आर्मी। तो ये जो फर्क है, अगर 75% सेना मुसलमान होती, और ये इतिहास है, ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, भारत की विभाजन ही हिंदू मुस्लिम प्रश्न हुआ है जी। और पूरे मुस्लिम जो यूनिट्स थे, जो मुस्लिम आर्मी यूनिट्स थे, वो पूरे पाकिस्तान चले गए, एंड नॉन मुस्लिम आर्मी यूनिट जो हिंदू यूनिट्स थे वो भारत आए, इतिहास है। तो जिससे जो सावरकर जी ने किया उससे देश का भला हुआ, उसके लिए भी टीका। गांधी हत्या में 2018 में 3 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की गई थी कि कपूर कमीशन का नाम लेकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी भी अपॉइंट किया था, शरद बोबड़े जैसे और जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने इस पर निर्णय दिया है कि गांधी मर्डर में सावरकर को निर्दोष कोर्ट ने सिद्ध किया है, और कपूर कमीशन के आयोग में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सावरकर कितने गुंडे। तो कहीं तो कपूर कमीशन का नाम लो, जो अहवाल ऑफिशियली सरकार ने रिजेक्ट भी नहीं किया है ना उसको एक्सेप्ट भी किया है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी नहीं किया, क्योंकि उसमें है बनते ही लिखा, उसमें गांधी के सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ टिप्पणी, इसलिए वो अहवाल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीजें पकड़कर सावरकर जी को, केवल वो हिंदुत्व के प्रणेता है और कांग्रेस एक हिंदुत्वी पार्टी से इलेक्शन हारी है, ये राजनीति की दृष्टि से जो बदनाम करने की मुहिम है ये चिंताजनक है, क्योंकि हमारे देश में हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए, विरोधी मत भी हो तो सभी को अधिकार है विरोधी मत रखने का, तो विरोधी मत का मतलब देशद्रोह करना, ये गलत बात है जी। और सबसे बड़ी बात कि महात्मा गांधी और वीर सावरकर भले ही विचार उनके अलग अलग थे, लेकिन एक दूसरे का वो आदर करते थे, ये जो मत विरोध होने के बावजूद, तर्क होने के बावजूद, उन दोनों की मंशा एक थी कि भारत की स्वतंत्रता। लेकिन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं आप उदय मावरकर जी, और ऐसे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों को आप क्या कहेंगे, जो कि 2018 की इस जजमेंट जहां पर फडणवीस जी ने कहा था, इनकी याचिका थी, और फिर एक अमाइकस क्यूरे बैठे जैसा रंजीत सावरकर जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी महात्मा गांधी की हत्या को लेकर सावरकर जी का नाम नहीं है। दूसरा, आपने जो बहुत बड़ी बात की कि देश का विभाजन, इसकी बात भी उन्होंने पहले ही सोची थी, दूरदर्शी थे, उन्होंने भांप लिया था कि सैयद अहमद खान क्या कह रहे हैं और अंग्रेज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जब बॉम्बे का विभाजन हुआ था। उदय जी, हाँ सही बात है। इनफैक्ट देखिए, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की जो शुरुआत है वो ही 1916 के लखनऊ पैक्ट से, फिर उसमें एक सिक्योरिटी एंगल दाखिल हो गया खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में मोपला जो मुस्लिम थे उन्होंने जो अत्याचार किए हिंदू और क्रिश्चियनों पे केरला के अंदर, उससे इसमें एक सिक्योरिटी का एक पूरा एंगल आ गया। और मोपलाओं ने जो अत्याचार केरला में किए, मेरा ऐसा मानना है कि उससे ही वही मेन कारण थे सावरकर के लिए अपनी किताब हिंदुत्व लिखने का, वो मेन कारण था। और आरएसएस जो फॉर्म हुई 1925 के अंदर, उसके अंदर भी वो मेन कारण था कि जो 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 अत्याचार हुए पैन इस्लामिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से हिंदुओं के लिए और देश के लिए कितना बड़ा खतरा आ सकता है, इसको भापा सावरकर ने और डॉक्टर हेडगेवार ने। तो ये मतलब, और 1937 में जब
जब सावरकर नजर कैद से बाहर आए रत्नागिरी से, तब से उन्होंने आगाह करना शुरू किया था देश को और कांग्रेस को कि भाई मुस्लिम तुष्टिकरण अगर आप करोगे तो उसको देश देश को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और समय बड़ी बात कि 1930 के अंदर मोहम्मद इकबाल जो सैयद अहमद के बाद में टू नेशन थियरी के समय बड़े जिसको नायक मैं कहूंगा या खलनायक, वो उन्होंने मोहम्मद इकबाल ने 1930 के इलाहाबाद के सेशन में ये कहा था कि मैं आगे देख रहा हूं कि आज का सिंध आज का पंजाब आज का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान ये फ्यूचर में इस्लामिक देश होगा। और 1936 में जब सिंध को अलग किया गया मुंबई प्रांत से, उस टाइम पे सावरकर ने भाप लिया था कि खतरा है देश के ऊपर, देश का विभाजन आगे जाके हो सकता है। तो सावरकर ने 1937 से लेके 1947 तक बार बार देश को और कांग्रेस को आगाह किया कि देखिए आपको सावरकर की आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। सावरकर जिस कठोर शब्द यूज करते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि देश में सबको समान अधिकार हो। वो हिंदुओं के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहे थे। इसके लिए मैंने एक जगह कहा है मेरे लेख के अंदर कि सावरकर वॉज नॉट ए हिंदू सुप्रेमेसिस्ट व्यू, इट वॉज ए हिंदू प्रोटेक्टिव व्यू। तो सावरकर उनका जो पार्टीशन प्रिवेंट करने के उनके प्रयास, बाद में जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनकी विजन जिसको कांग्रेस ने जिससे दरकिनार किया, उनकी कूटनीति की विजन जिसे कांग्रेस ने या कांग्रेस के उस टाइम के शासकों ने अपने आप को दरकिनार किया, उससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। तो पूरा पढ़ने के बाद हमें ये लगता है, मैंने एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि सावरकर एक प्रोफेट, एक सावंत, एक यूनिफायर के रूप में बाहर आते हैं। उनका योगदान अगर पूरी तरह से और ईमानदारी से उसका अगर मूल्यांकन किया जाए तो जी। लेकिन रंजीत जी, कुछ लोग उदय जी, मैं रंजीत जी से भी एक सवाल पूछकर वापस आपकी ओर आता हूं। रंजीत जी, कुछ लोग हैं जो बैरिस्टर हैं अब, लेकिन कोर्ट के 2018 के फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? क्योंकि सावरकर जी, इनकी किताब में भी और पहले भी ये कहा गया है कि उन्होंने भाप लिया था कि चीन के खिलाफ युद्ध होगा, देश को एक सेना होना चाहिए, सेना की जरूरत है, देश को सशक्त होने की जरूरत है, और सबको एक तरह से गवर्नेंस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन, ये बात भी सावरकर जी ने कही है जी। नहीं, इसलिए कि आप अगर पॉलिटिकल उनके व्यूज को आप रिप्लाई नहीं कर सकते तो पर्सनली उनकी इमेज डैमेज करो, ये षडयंत्र के पीछे है। और एक झूठ 100 बार बोले ये तो गोबेल्स ने हमारे सामने सिद्ध कर दिया है। तो इसलिए मुझे ये बहुत ये गलत बात लग रही है, बिकॉज फॉर अ नेशन इज वेरी रॉन्ग कि हमें हमारे राष्ट्रपुरुषों को यह अपमानित होना पड़ता है और रिप्लाई के लिए हर सुबह कोई उदय माहौरकर या रंजीत सावरकर के चैनल पर रिप्लाई करना पड़ता है कि जैसे कोई हमने गलती की। ये जो इश्यू है ये एक बार वंस फॉर ऑल ये प्रूव हो चुके हैं, तो इसके ऊपर कुछ एक पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आगे की पीढ़ी के लिए कोई फिर एक जिसे हम ये सकते हैं मानदंड है कोई सामने की भी मैं कैसा बिहेव करूं, तो कोई आइडियोलॉजी नहीं रहेगी उनके उनके सामने, कोई आइडल्स नहीं रहेंगे, कोई हीरो नहीं रहेंगे। और जिस देश के सामने कोई हीरो नहीं, आइडल्स नहीं, तो उस देश का भवितव्य तो बहुत खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये तो देश तोड़ने की भी कोशिश इसके पीछे चल रही है। पर उदय जी, कहीं ना कहीं ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, जो लोग इनको आज भी महात्मा का हत्यारा कहते हैं? गांधी मर्डर के अंदर उनका नहीं, गांधी जी के मर्डर के अंदर तो बहुत सारा एविडेंस है कि उनको कितनी बुरी तरह से, इनको गलत तरीके से इंप्लिकेट किया गया। ये एविडेंस है कि पूरा कैबिनेट विरुद्ध में था, सिर्फ एक व्यक्ति मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, इस आइडियोलॉजी की वजह से गांधी जी का मर्डर हुआ है, गांधी जी की हत्या हुई है, इसके लिए सावरकर को तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। ये तथ्य बाहर आ गया है। दूसरा कि सावरकर और गोडसे के डिफरेंसेस, सावरकर और नाथुराम गोडसे के बड़े जबरदस्त डिफरेंसेस थे उस समय। सावरकर उनको बार बार, हमारे पास प्रमाण ये कहने का कि सावरकर उनको आगाह कर रहे थे कि आप इतने एक्सट्रीम आप पोजीशन मत लीजिए। और एक जो समय बड़ा प्रूफ है वो ये है कि 1946 में एक बार्शी नाम की जगह है, ये महाराष्ट्र में, यहाँ पे हिंदू सभा, महाराष्ट्र हिंदू महासभा का सेशन हुआ था जिसमें सभी हिंदू महासभा के प्रमुख नेता हाजिर थे। उसके अंदर जब एक भोपटकर नाम के जो हिंदू महासभा के नेता थे, जिन्होंने सावरकर जी को डिफेंड किया था गांधी ट्रायल के अंदर, वो 1946 का ये जो सेशन है बार्शी वाला, उसके अंदर उन्होंने एक जगह ये कह दिया कि समय आने पे हम हिंदू महासभा को वाइंड अप भी कर सकते हैं। तो गोडसे ने
चक्कू निकाला और चक्कू लेके उनके पीछे दौड़ा जी। इसका ये भी प्रमाणित है। अच्छा बड़गे जो जिसके जिसके आधार पर सावरकर जी को इंप्लीकेट किया गया था उसको उसने मनोहर मालगांवकर ने जो किताब लिखी द मैन हु किल्ड गांधी उसके अंदर जब वो इंटरव्यू लेने गए मनोहर मालगांवकर बड़गे का, बड़गे ने कहा कि ये तो मैंने पुलिस के प्रेशर में कहा हुआ था। तो इसका बहुत एविडेंस है। कोई अब मन में मतलब अगर एविडेंस देखते हैं अगर ईमानदार आदमी है उसके मन में कोई शंका रहनी नहीं चाहिए कि सावरकर का गांधी मर्डर में कोई हाथ नहीं था जी। लेकिन लेकिन ये सब बातें रंजीत जी नहीं कहा जाती पर ये इसके लिए फैलाई, ये जो भ्रांतियां इसके लिए फैलाई जाती हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जी सावरकर जो मैंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं, तो ये जो लोग भारत को विभाजित देखना चाहते हैं उनको ये डर लगता है कि सावरकर अगर देश का आइकॉन बन गए, हमारी नई पीढ़ी के आइकॉन बन गए, तो उनका जो षड्यंत्र है वो फेल हो जाएगा देश को फ्रेगमेंटेड रखने का, देश को तोड़ने का। लेकिन ये एक रागिनी नायक कांग्रेस का ट्वीट है, मैं पढ़ना चाहता हूँ रंजीत जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। उनका सावरकर का शुद्धिकरण करने के लिए राजनाथ जी को गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है, इनके हिसाब से गांधी के कहने पर सावरकर ने माफीनामा लिखा, यानी गांधी का इतना बड़ा चेला होकर गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचने वाला सावरकर कायर के साथ एहसान फरामोश भी था, ये अब लिखा जा रहा है। अब बताइए अब क्या इनको इतिहास पढ़ना चाहिए रंजीत जी, क्योंकि क्यों 1918 के बाद जब रॉयल पार्डन की बात हुई थी तब नारायण राव जी ने महात्मा गांधी से गुहार से कहा अनुरोध किया था कि ये जो दो मेरे बड़े भाई हैं सिर्फ इनको कारावास में रखा गया, अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा क्योंकि उनको पता था कि ये दो भाई सावरकर भाई जो हैं सबसे बड़ा खतरा है, उनको डी कैटेगरी में डाला गया। फिर महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी और सावरकर से भी आग्रह किया कि देखिए आप भी लिखिए चिट्ठी, तो ये तो हिस्ट्री है, ये तो इतिहास है, तो इसको क्यों नहीं, इसको नकार कर क्यों इनको अब एहसान फरामोश भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो पार्टी है जिसको कि मुस्लिम लीग कहती थी कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, इंडिपेंडेंस से पहले कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता था। नहीं, ये इतिहास ये गवाह है कि 1947 में जब गांधी की हत्या हुई तो उसके आप 18 दिन पहले की जो घटनाक्रम है 18-20 दिन का वो बड़ा भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण है। 12 जनवरी को कैबिनेट ने ये मान्यता दी से कि पाकिस्तान को 55 करोड़ का निधि दिया जाए, उसके इसमें मणिबेन पटेल ने, पटेल जी की डॉटर लड़की, उन्होंने डायरी में लिखा है कि बापू मतलब पटेल ने ऐसा मुझे कहा कि मैं बोल के आया हूँ कैबिनेट सदस्य को कि अब मैं इस कैबिनेट में काम नहीं करूंगा, और उन्होंने गांधी को रेजिग्नेशन देने की बात तो वो तो उनका तय हुआ था, तो गांधी ने कहा कि आप 31 जनवरी को हम तीनों बैठेंगे जवाहरलाल आप और मैं, उस दिन आप डिक्लेयर करो, तो तब तक ये इस पे डिसीजन लो, मगर ये तय हो चुका होगा कि पटेल वॉज गोइंग आउटसाइड द मिनिस्ट्री। और पटेल तब बम्बई आए, बम्बई नहीं गुजरात आए, और यहाँ से मोरारजी देसाई उनको 12 तारीख को ही मिलने गए थे। 12 तारीख बड़े विशिष्ट दिन है क्योंकि 12 तारीख को ही सावरकर जी को एक खत लिखा गया महाकौशल हिंदू सभा के प्रमुख से कि उन्हें पटेल के दूध उन्हें आने मिले थे और वो चाहते थे कि सावरकर और पटेल में एक चर्चा हो जिसमें हिंदुआ सभा का आगे का पॉलिटिकल धोरण क्या होगा। ये पत्र अवेलेबल है, ये गांधी मॉडल के इसमें भी सादर किया गया है सावरकर जी ने। तो देयर वाज अ रियलाइनमेंट गोइंग ऑन कि कांग्रेस का एक बड़ा टपका जो पटेल ग्रुप है वो सावरकर का हाथ मिलाना चाहते थे क्योंकि उनको तो यहां से बरदखल किया था, बाजू किया था। 12 जनवरी की बात है, मगर 30 जनवरी में गांधी हत्या होने के बाद ये सब बात बच गई। तो मुझे तो लगता है कि गांधी हत्या होने से सावरकर का क्या फायदा हुआ, हिंदू सभा का क्या फायदा हुआ, वो तो एक दो नंबर का पक्ष था। अभी लोग कहते हैं कि हिंदू सभा का नामोनिशान मिट गया था, मगर हिंदू सभा को वो प्री इंडिपेंडेंस पोल में 16% वोट मिले थे। 16% वोट मिलने वाली पार्टी को बड़ी पार्टी मानी जाती है आज भी, तो इतना बड़ा पक्ष था हिंदू सभा 16% वोट पे। RSS की एक ऑर्गेनाइजेशन, इनका पूरा मतलब व्हाट यू कैन से दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द पॉलिटिशियन थ्रोन आउट। सावरकर जी का राजकीय करियर खत्म हो गया, तो फायदा हुआ नेहरू का, पटेल जी चले गए वहां से, उनको चुप बिठाया गया कि भाई अपना काम करो, क्योंकि जयप्रकाश नारायण और मल्लिका साराभाई इन्होंने नेहरू के घर में रहते हुए पटेल की जगह से एजिटेशन चलाया कि इनका पब्लिक मीटिंग होती थी, आरोप होते थे कि पटेल ने RSS के साथ हाथ मिलाकर गांधी को सुरक्षा नहीं दी। जब 28 दिन ये थे ही नहीं ना, 12 तारीख से लेके 18 दिन पटेल काम ही नहीं करते, ही वाज इन रिजर्वेशन मोड, ही वाज नॉट अटेंडिंग द मिनिस्ट्री, ये रिकॉर्ड है। तो उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर से आरोप चाहिए, तो पटेल को
पटेल ने रेजिग्नेशन भी दिया 3 फरवरी को, तो उनके सेक्रेटरी थे शंकर, उन्होंने कहा कि आप रिजाइन करोगे तो इसका मतलब है कि ये जो आरोप मान्य करता होगा तो प्लीज डोंट रिजाइन, ये सब वो रेजिग्नेशन लेटर भी आज अवेलेबल है जी, तो ये और उसके बाद 50 के बाद इतनी एक ये सब की पावर बढ़ गई पटेल के बाद, रंजीत जी उन्होंने 1952 के इलेक्शन के बाद हर पुराने सीनियर नेता को निकाल दिया जी, जो ये सब जो बातें है ना रंजीत जी, ये सब जो बातें हैं, मैं उदय माहुरकर जी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो इसीलिए सूचना आयुक्त है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये सब बातें और जग जाहिर होना जरूरी है, इतिहास के जो तथ्य हैं इसको एक साथ हमारे पन्नों में हमारी किताबों में आना जरूरी है, जो कि आज हमारी किताबों में नहीं है, हमारी CBSE NCERT की टेक्स्ट बुक्स में अगर आप देखें, विक्रम संपत जी ने उसको ट्वीट भी किया है कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है और कितना जो हमारा इतिहास का जो अहम हिस्सा है उसे एक एक दो दो पैराग्राफ में लगाकर छोड़ दिया गया है, तो ये सब जब तक जग जाहिर नहीं होगा तब तक एक धारणा बनती रहेगी। रंजीत जी, उदय जी, जरा मेरे साथ बने रहिए, JDU के नेता KC त्यागी ने सावरकर पर दिए गए बयान पर क्या कहा ये भी मैं जरा सुनवाना चाहता हूँ। JDU के प्रधान महासचिव और वरिष्ठ नेता KC त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। इतिहास की किताबें आप भी बहुत पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीर सावरकर को लेकर झूठ फैलाया जाता है क्योंकि उन्होंने जो मर्सी पिटीशन लिखे थे वो महात्मा गांधी के कहने पर लिखा था। देखिए, मुझे फिल्म में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और घंटों वहीं ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वीर सावरकर, जिन्होंने लंबे समय तक वहाँ पर जेल में अंग्रेजों की यातनाएं सही, उन्होंने जेल तोड़कर बाहर आने का भी प्रयास किया और जो पानी का जहाज यात्रा में था उससे भी कूद करके ब्रिटिशों से अलग होने का भी उन्होंने प्रयास किया, ये भी इतिहास में दर्ज है। और बाद के दिनों में ब्रिटिश अधिकारी और उनके बीच में इकरारनामा है, ये भी इतिहास में दर्ज है, जिसमें वो अपने आप को आंदोलन से मुक्त करते हैं, जिसको माफीनामे के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। तो अर्ध सत्य ये है कि उन्होंने बहुत यातनाएं सही और अर्ध सत्य ये है कि बाद के दिनों में ब्रिटिश शासकों के और उनके बीच में तालमेल हुई। अर्ध सत्य है यानी आधा सत्य तो है, आधा सत्य है, आधा सत्य यातनाओं का भी है, आधा सत्य ब्रिटिश अधिकारियों के साथ तालमेल का भी। लेकिन राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो महात्मा गांधी के कहने पे उन्होंने पत्र लिखा और जो ये आरोप लगा रहे कि उनके बारे में झूठ फैलाया जाता है कि उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखा, इस बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनाथ सिंह जी भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पत्र लिखा, महात्मा गांधी के कहने पर लिखा या नहीं लिखा, इसके सबूत और प्रमाण सब लोगों के सामने सार्वजनिक हो जानी चाहिए तो अच्छी बात। धनंजय गीर, विक्रम संपत और उदय माहुरकर, इन तीन किताबों को पढ़ेंगे, सारे साक्ष्य हैं और रंजीत सावरकर जी से थोड़ी सी बातचीत करेंगे, उन्होंने जो रखे हैं साक्ष्य उसको सुनेंगे तो सारे साक्ष्य सामने हैं। पर उदय माहुरकर जी, यहाँ पर भी देखिए अर्ध सत्य, सावरकर एक ही व्यक्ति थे जिनको कि उनके छूटने के बाद से लेकर 15-20 साल तक नजरबंद रखा गया था, रत्नागिरी तक अपने घर तक नहीं जाने दिया गया, उनको रत्नागिरी में भी रहने को कहा गया था, मुंबई आते थे तो भी उनको परमिशन लेके आना पड़ता था, इतना नजर रखा जाता था वीर सावरकर पर, क्या यह सबको नहीं मालूम? उदय जी, हाँ कही कही है। मैं कहना चाहता हूं जो आज भी सावरकर की बात को, उनके कंट्रीब्यूशन को नकारते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, ऐसा है कि सावरकर को जब जेल में से छोड़ा गया और रत्नागिरी में नजर कैद में रखा गया, ऑर्डर ये था कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की लिमिट्स को छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे कई ऐसे क्रांतिकारियों को छुप छुप के मिले, इंक्लूडिंग भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु। तो सावरकर जेल से निकलने के बाद भी जी एक इंस्पायरर थे क्रांतिकारियों के जी, एंड तक थे जी। आप देखें कि सुभाष चंद्र बोस जब INA, जब ये बात हुई कि INA लेके वो शायद कलकत्ता तक भी पहुंच सकते हैं बर्मा के रास्ते से, तो उन्होंने अपनी जो प्रोविंशियल हिंदू महासभा थी अपने बंगाल की, उसको एक सीक्रेट ऑर्डर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि अगर ऐसा होता है तो आप ऊपर से हमसे डिस्कनेक्ट हो जाना और आप उनके साथ जुड़ जाना जी।
तो इति आखिर तक उनका उनका जो मन था, दिल था, वो क्रांतिकारी का ही था जी। और देश के देश हित की बात थी, और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि हिंदू समाज में से भी ये जो कास्टिज्म है, चाणक्य नीति और कृष्ण, ये जो वर्ग का भेद है, ये हिंदू समाज से हटना चाहिए। इसके सबसे बड़े चैंपियन थे वीर सावरकर। उदय माहुरकर जी, रणजीत सावरकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और बेबाक बातचीत करने के लिए। नमस्ते। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। और अब पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस के सामने नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी अशरफ आईडी एक्सपर्ट है, और इसने ही जम्मू में सीमावर्ती इलाकों में 2 से 3 आईडी ब्लास्ट की थी, जिसमें एक डीआईजी की मौत भी हुई थी। बीएसएफ के डीआईजी ओपी तबर जब गश्त पर थे उस समय आईडी ब्लास्ट हुआ था। ये आईडी ब्लास्ट नवंबर 2009 में रामगढ़ सेक्टर में हुआ था। पवन शर्मा जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। तो कई सारी वारदातों में इसका रोल है और ये आईडी एक्सपर्ट भी है, और 2009 की उस घटना में भी इसका हाथ है। हाँ बिल्कुल आनंद, अशरफ अली जो पकड़ा गया है दिल्ली में, जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहा है लगभग 2 से 3 साल, 2008 से लेकर 2009 तक इसका ज्यादा जहां पर इसकी भूमिका रही, और खास करके सीमावर्ती इलाकों में इसने कई आईडी प्लांट की थी, और लगभग 1 दर्जन के करीब आतंकी वारदातों में इसका हाथ रहा है। तो सुरक्षा एजेंसियों की जो इससे पूछताछ हुई उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि रामगढ़ सेक्टर में नवंबर 2009 में जो एक आईडी ब्लास्ट हुई थी, जिसमें बीएसएफ के डीआईजी ओपी तंवर की मौत हुई थी, उसमें भी इसका हाथ था। और आरसपुरा सेक्टर में एक आईडी लगाई गई थी जो मौके पर पकड़ी गई थी, वो ब्लास्ट नहीं हो पाई थी, वो भी इसी ने प्लांट की थी। लगभग 2 से 3 आईडी सीमावर्ती सेक्टर में इसने प्लांट की थी, और जम्मू उधमपुर विजयपुर ये जो इलाके हैं जम्मू प्रोविंस के, इन इलाकों में जो जाड़ फूक काम करता था लोगों का इलाज करने के बहाने, जो बहुत से डेरे हैं सीमावर्ती इलाकों में गुज्जर समुदाय के, उनके घरों में ये ज्यादा घूमता था और इसी इलाके में रहता था। धन्यवाद पवन आपके इनपुट्स के लिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 21वीं सदी के लिए भारत के लिए मेगा प्लान का ऐलान किया। उन्होंने आज केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के काम में तेजी लाने की के लिए गति शक्ति योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ताकि सरकार की बड़ी योजनाओं के लिए सभी विभागों में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाया जा सके। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सरकारों के कामकाज पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले की सरकार का रवैया सब चलता है वाला था, लेकिन अब तय समय पर ही काम खत्म करने का सरकार का संकल्प है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गतिशक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गतिशक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हो, इसके लिए ये गतिशक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। हमारे यहां दशकों तक सरकारी व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया है, उस वजह से सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था खराब क्वालिटी, काम में बरसों की देरी, बेवजह रुकावटें, जनता के पैसे का अपमान। मैं अपमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टैक्स के रूप में देश की जनता
सरकार को देती है उस पैसे का इस्तेमाल करते समय सरकारों में ये भावना ही नहीं होती थी कि एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर एक को लगता है अरे यार ऐसे ही चल रहा है चलने दो। जैसा अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, हर जगह नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं, समय पर पूरा होगा या नहीं, ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने ना सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। ये प्रधानमंत्री का विजन है गतिशक्ति। 16 मंत्रालयों और विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट इस बात का उदाहरण है कि समय से पहले कार्य को पूरा किया जा रहा है। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। नमस्ते, आगे की खबरें रितिका के साथ न्यूज 18 इंडिया पर। और अब बात उन आतंकवाद